हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। थर्ड टेस्ट मैच जो सिडनी में खेला जा रहा है, आज पहला दिन स्टंप हो गया और आज का दिन भी पूरा ना हो सका क्योंकि बारिश थी, बैड लाइट, जिसकी वजह से पूरा दिन ना हो सका और खाली 55 ओवर की गेम हो सकी। तो पहले स्कोर कार्ड पर बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 166 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलिया का पहले काफी ही पुअर सा स्टार्ट था, फिर एक अच्छी पार्टनरशिप लगी और पोविकी ने 62 रन की इनिंग्स खेली, वार्नर ने 5 रन बनाए, लेबुशेन ने जो है 67 नॉट आउट पे खड़े हुए हैं और स्टीवन स्मिथ 31 रन पर खड़े हुए हैं, ठीक है। और काफी अच्छी बॉलिंग करवाई इंडियन बॉलर्स ने। बुमराह को कोई विकेट नहीं मिली, सिराज को 1 विकेट मिली और नवदीप सैनी को भी 1 विकेट मिली। नवदीप सैनी जो अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं उनको 1 विकेट मिली, ठीक है। और इन एंड आउट ही काफी अच्छा दिन था ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और साथ साथ इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग काफी इनएक्सपीरियंस है, लेकिन उन इनएक्सपीरियंस बॉलिंग ने काफी अच्छी बॉलिंग करवाई और ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के 2 बैट्समैन आउट कर दिए, ठीक है। और होपफुली क्योंकि डेविड वार्नर भी वापस आ चुके हैं और रोहित शर्मा भी वापस आ चुके हैं, तो ये टेस्ट मैच काफी इंटरेस्टिंग और काफी ही मजे का टेस्ट मैच होगा। होपफुली कल का दिन हमें पूरा देखने को मिले और कल जरा ऑस्ट्रेलिया लंबा रन करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी काफी ही इतने रन नहीं किए और ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छा स्टार्ट दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पिछले 2 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया। इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जो है 166 रन बना चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी 8 विकेट हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया 450 बोर्ड पर लगा दे तो ये टेस्ट मैच काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।